मेहनत करने के बाद मुझे फाइनली 5,000 का वाउचर मिल गया है ना, तो एंड आई एम सो हैप्पी 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 हैप्पी। स्पीक करो। जैसे व्लॉग में तभी ज्वाइन नहीं किया है वो मेरा चैनल कर लो जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जब भी इसको अभी ले रही हूँ इसको मैं थोड़ी देर में लूंगी। यार जिस मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल कर लो जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जब भी व्लॉग में तभी ये लाइन मैंने बहुत मुश्किलों से आती है ताकि मैं बोल दूँ ताकि जब भी व्लॉग में तभी व्लॉग अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आ जाए सीधी सीधी आपके पास। ओके तो यार आठ घंटे बोलने वाली थी मैं, 8 दिन बाद मैं फाइनली आप लोगों के पास तशरीफ लेकर आ गई हूँ अपना एक व्लॉग लेकर, क्योंकि वही सीन के भाई अभी आप लोगों को पता है कि सीजन चल रहा है रमज़ान का और एंड डेज चल रहे हैं तो कितना ज़्यादा यहाँ पे रश हो रहा है मॉल में, तो मैं आपकी बहन बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है यही एक्सक्यूज़ लेकर आई हूँ मैं आपके पास। तो फिर सीन ये हुआ कि आज रमज़ान मतलब रोज़ा आज 14वां रोज़ा है ना, 14वां रोज़ा है ना आज यार, आज 14वां रोज़ा है तो रोज़े में भी है जाहिर सी बात है, तो आज जो है मेरा शूट भी है साथ साथ, तो मतलब रोज़े में साथ साथ शूट भी करना है और शूट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मुझे बताई गई थी कि मुझे वैक्स करके आनी है और अपने हाथ बहुत साफ सुथरे रखने हैं। तो यार हाथों की जो है हाथों का मैं आपको बताऊँ कि हाथों में मेरा बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है गर्मियों में स्पेशली बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है क्योंकि मेरी जो पील है ना ये जो मेरी स्किन है ना वो पील ऑफ होने लगती है पता नहीं क्यों। सर्दियों में हाथ बहुत अच्छे सॉफ्ट नरम बिल्कुल और गर्मियों में बेड़ा गर्म, और आज जो शूट है वो ज़्यादातर मेरी हाथों का ही है तो भाई हाथों को मुझे अपना जल्दी जल्दी से साफ करना है, ये स्नेक बन जाती है पहली फुर्सत में निकल, हाथों को जल्दी जल्दी साफ करना है मुझे, फाइल करना है, फाइलर लाई हो तुम, है तुम्हारे पास फाइलर मेरे बैग में भी है तो मैं जल्दी जल्दी से अपना ये करती हूँ, और फिर मुझे करना है मेकअप क्योंकि ये लुक जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्रेश, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल नेचुरल है, सो इट्स माय नेचुरल ब्यूटी। यार मुझे करना एक सॉफ्ट सा मेकअप क्योंकि आपको बताया रमजान चल रहे हैं कि लास्ट टाइम मैंने जो आपको मेकअप ट्यूटोरियल दिया था वो था इफ्तार पार्टी का, तो मैं आज जो है शूट के मुताबिक अच्छा सा मेकअप करूंगी। साथ यार मैं आपको एक टिप देती चलूँ, अगर आप लोग बोलूँ अगर आपके दिल में चल रही होगी वाली बात कि यार नबिया तुम तो बगैर मेकअप के भी तुम्हारी स्किन इतनी माशाल्लाह से अच्छी, देखो मैंने कुछ भी नहीं लगाया अभी, रोज वाटर लगाया हुआ मेरी स्किन देखो माशाल्लाह से कितनी ग्लो कर रही है, माशाल्लाह बोल देना प्लीज क्योंकि जब मैं अपनी स्किन के बारे में बताती हूँ तो मेरे पिंपल्स निकल आ जाते हैं। तो मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखाती हूँ कि हमारे पास आया है, ओ यार एसटी की रेंज किधर रखी है, हमारे पास आई है एक एसटी की बहुत ही अच्छी रेंज जो कि मुझे नज़र नहीं आ रही, ओ ये रही, तो ये आया है हमारा पास पूरा एसटी का जो है स्किन केयर आया है जो कि मैंने भी यूज़ करा है और नो डाउट इतना अच्छा रिजल्ट, मतलब तीन दिन में आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, क्या बकवास कर रही हो तुम, खैर भाई ये मुझे कह रही है कि फ्री में प्रमोट नहीं करो लेकिन मैं कहती हूँ कि यार जो अच्छी चीज़ें वो मुझे दिखा देनी चाहिए क्योंकि मेरा काम ही है ये। तो सीन इज़ दैट कि मैं यूज़ करती हूँ इसका हाइलुरोनिक एसिड बिकॉज मुझे पसंद है अपनी स्किन पे ग्लो और शाइन, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैंने सोचा विटामिन सी भी है इसमें लेकिन मेरी माशाल्लाह कलर फेयर है, स्किन भी मेरी इवन टोन है और अगर इवन टोन नहीं हो रही होगी तो वो पानी की कमी की वजह से नहीं हो रही होगी, तो मैं रमजान के बाद पानी पी के अपनी स्किन को इवन टोन कर लूँगी। बाकी सीन ये है कि मुझे पसंद है हाइलुरोनिक एसिड क्योंकि मुझे अपनी स्किन अच्छी ही मतलब ग्लो करती हुई पसंद है तो मैं ज़्यादातर हाइलुरोनिक एसिड आपको प्रेफर करूँगी अगर आपकी ड्राई स्किन और आपको थोड़ा अच्छा ग्लोइंग वाला स्किन चाहिए, तो इसमें जो है इसके अलावा रेटिनॉल भी आता है, अल्ट्रा स्मूथ नाइसिनमाइड भी है इसके अंदर, विटामिन सी है, रेटिनॉल है और एक दो क्रीम्स और थी, हाँ ये नाइट क्रीम है और ग्लो क्रीम है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने आपको प्रेफर कर दिया, तो कि आप मेरी स्किन देख ही रहे हो कि यार कितनी ग्लो कर रही है और अभी 3 दिन के अंदर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना वही एज यूजुअल लगाऊंगी अपना डर्मीव का मॉइस्चराइजर जिससे मेरी स्किन और मज़ीद ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है, उसके बाद मैं करूँगी अपना फेशियल रिजर से अपनी अपर लिप्स बनाऊंगी और थोड़े से मुझे अपने हाथ पे करनी है क्योंकि मैं इतनी सुबह सुबह वैक्स करवाने के डर जाती, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसी से ही थोड़ा बहुत जो मेरे हाथों का है मतलब लाइक इतने तो मेरे हेयर्स हैं भी नहीं
और ये देखो मेरे हाथों की, मतलब ये कितनी ज़्यादा पील ऑफ होती है मेरी स्किन, आई डोंट नो व्हाई। तो भाई मैं अपना कैमरा सेट करूँ पहले। चुप करो अभी। तो यार ये मैंने फेशियल रेजर ले लिया, अगर आप भी ये यूज़ करती हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ वो ही यूज़ करती हैं, अगर लड़कियों को आइडिया है इसका यूज़ करने का तो वो यूज़ करें, वरना वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि स्किन पे कट पड़ जाता है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में ट्राई किया था ये, क्योंकि मुझे थ्रेड चलाना नहीं आता यार, और पता नहीं बस नहीं आता, तो मुझे ये बहुत ईजी लगा, तो मैंने सोचा मैं यही बाय कर लेती हूँ। तो बस मुझे जल्दी जल्दी अपर लिप बनानी है अपनी। आपको पता है कि वो 3D कैमरा होता है, तो 3D कैमरा मतलब कितना जूम करके दिखाता है भाई, तो इस वजह से मुझे बोला कि आपने वैक्स करके आनी है। वही फाइनली मेरी अपर लिप हो गई है डन। ओह माय गॉड, मतलब मैंने अपनी दोस्त को बोला था कि तुमने भी वैक्स करके आनी है, तो ये वैक्स पूरी गाइस मेरे हमेशा क्लीन रहता है। मेरी बात सुनो, ये बहुत लंबी छोड़ दी है तुमने भाई, इसके हाथ जो ही क्लीन है, मेरे हाथ देख लो यार, इसमें तो कैमरे में तो बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, बस इतनी ना इतनी इंसल्ट मत करवाओ मेरी हार यार, ये 2 महीने की ग्रोथ है, हर महीने करवानी पड़ी। तो मैंने सोचा कि यार इस बार मैं ईद पे करवा लूँगी, क्योंकि अगर मैं लास्ट मंथ करवाती तो वो छोटे छोटे हेयर जाते, जिसकी वजह से वो फिर वैक्स में इंट्रो नहीं हुआ है चैनल पे, फुर्सत में निकल, जिसकी वजह से वो वैक्स में पूरे नहीं निकलते। तो भाई इनका इंट्रो करवा देती हूँ, ये हमारी शॉप में न्यू आई है, इनको कुछ 1 महीना हो गया, गंदी गंदी क्लिप्स भी डाली अपने चैनल पे बिना पूछ। मैंने माफ कर दिया इसको, माफ कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई इसका नाम है शाइस्ता, और ये मेरी अभी न्यू बेस्ट फ्रेंड चल रही है, अच्छी चल रही है, अच्छी बंदी है, करंट बेस्ट फ्रेंड, ओके करंट बेस्ट फ्रेंड चल रही है यार ये मेरी, बस इतना काफी है। और किसी को मेरा नंबर चाहिए तो कॉन्टेक्ट करें। 10 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से मेरा व्लॉग बनाने में शाइस्ता थोड़ी हेल्प करेगी, पकड़ो। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना ना वैक्स भी कर लूँ यार, ये रेजर ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि वैक्स तो मैंने करवाई नहीं, इतनी सुबह सुबह कहाँ से करवाती। तो मुझे बोला गया है कि अपनी फिंगर्स पे थोड़ा, मतलब मुझे बोला गया है पर्सनली, आप ये देख रहे हैं, तो मैं इसको हल्का हल्का अपना, गाइस पीछे स्वीपर है उसे हाय बोल दें, स्वीपर को तो मत बोल यार, उसको सलीम नाम है भाई उसको, हाँ सलीम नाम है अनारकली, ये बस थोड़ा शर्मीला है, ये थोड़ा शर्मीला है। चलो भाई ये हो गई हमारी फिंगर्स की वैक्स, ये अपना जंगल खत्म करते हुए। ओ भाई गाइस, ये मेरी इतनी गंदी गंदी क्लिप्स लेके डाल देती है ना व्लॉग में, कि बस ट्रस्ट में मैं इतनी बुरी नहीं लगती हूँ रियल में यार। अच्छा जिसको शाइस्ता नहीं पसंद आया ना, वो कमेंट कर दे कि हाँ ये नहीं अच्छी मैंने कमेंट देखा था, उसमें एक अंकल ने लिखा हुआ था, आपकी दोस्त कहाँ है, आपकी दोस्त बड़ी प्यारी कौन सी वाली दोस्त पता नहीं, मेरे मैं ही थी उस व्लॉग में, और तो कोई भी नहीं था, रिमिल तो थी नहीं सबकी चाहने वाली। चलो भाई सही है यार, तो फिंगर्स की जो है डन हो गई है, इतने बुरे भी नहीं लग रहे मेरे हाथ, अभी मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी ना तो ये स्किन जो है मेरी निकल जाएगी सारी। अब मुझे करना है थोड़ा सा अपना ये वाला हाथ और वो वाला हाथ भी, थोड़ा सा हाफ हाफ कर लेती हूँ, हाफ हाफ सही रहेगा ना, क्योंकि फिर मुझे ईद पे भी करवानी है यार, तो मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ क्या करूँ, अगर मैंने अभी कर लिया तो फिर मसला हो जाएगा ईद के लिए, क्योंकि फिर वो वैक्स में पूरे हेयर्स निकलते नहीं। तो भाई फाइनली मैंने हाफ टू हाफ आर्म की जो है वो कर ली है मैंने रेजर मार के, को यार कुछ तो करना था ना, क्योंकि वो लोग भी आने वाले हैं जिन्होंने मेरा शूट करना है, तो बस अब जल्दी जल्दी जो है मैं रेडी हो जाती हूँ, मुझे अपने आप को बहुत सॉफ्ट मेकअप लुक देना है। यहाँ पे इनका मेकअप स्टार्ट हो गया है प्रॉपर, अब तो मुझे बताओ कि मैं कैसा मेकअप करूँ यार आज के लिए, जैसे मैं हमेशा नेचुरल मेकअप करती हूँ यार। कितनी बंदी छोड़ रही है, मतलब हड्डी हो गई है, मेरा फेस नहीं है नेचुरल मेकअप वाला यार, ऐसा भी नहीं है। आज हम करेंगे फुल बैडी मेकअप, बैडी मेकअप करने वाला आज दिन नहीं है, वो हम करेंगे रमजान के बाद। हमारा फेस है वो एंजल वाला फेस नहीं होता वो वाला, मेरा फेस है कोई क्या बात कर दी। चल भाई अब मैं जल्दी जल्दी से अपना यार सामान लेकर आ जाती हूँ सारा, और मेकअप ट्यूटोरियल दूँ दोबारा कि नहीं दूँ, कितना मेकअप देखोगे यार, नहीं दूँ दे दूँ कि नहीं दूँ, कट होने वाला है तो क्या बोलूँ मैं। अगर आपको इससे मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए तो आप इससे मेकअप ट्यूटोरियल ले सकते हैं,
अच्छा मार्ट मार दिया गाइस। तो यार ये सारा मेकअप मैंने ले लिया जितना मुझे करना था, बाकी रह गया ब्लश। तो ब्लश मैं लगाती हूँ जीरो का ज़्यादातर, क्योंकि वो क्रीमी है, मेरी स्किन पे क्रीमी ज़्यादा अच्छा लगता है, पाउडर फॉर्म में इतना मज़े का नहीं लगता। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें ले ली हैं, तो मैं उसमें जल्दी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। और मुझे लग रहा है कि आपको मेकअप ट्यूटोरियल नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यार मैं किस तरह मेकअप करती हूँ। तो बस मैं आती हूँ मेकअप करके। बट मैं आज लगाने वाली हूँ गॉश का फाउंडेशन, जो कि फाउंडेशन प्लस कंसीलर है। कंसीलर मैं गॉश का ही यूज़ करूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा है यार, इतना अच्छा है। पहले मैंने सोचा था कि मैं रिमल का परचेज करूँगी, लेकिन फिर मुझे गॉश में ही बहुत अच्छा कंसीलर मिल गया, क्योंकि मुझे लिक्विड ही पसंद है और ये बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है। तो इसके साथ मैं यूज़ करूँगी आज गॉश का फाउंडेशन प्लस कंसीलर, जो कि ड्राई स्किन पर बहुत अच्छा जाता है। ये मैं आपको अभी हैंड टू हैंड अप्लाई करके दिखाऊंगी, और इतना नेचुरल ग्लो वाला लुक देता है ये। तो यार ये फाउंडेशन मैंने लगा लिया, अब मुझे उसको करना है टैप टैप। तुम्हारी बात का मैं ना अपने व्लॉग के बाद जवाब दूंगी। नहीं नहीं व्लॉग में दे दो, क्या मसला है, इतनी भी पर्सनल नहीं है। तो यार ये देखो कितना प्यारा ग्लो दिया है इसने मुझे, ये चेक करें आप। माशाल्लाह बोलना नहीं भूलना है आपने, वरना मैं तुम लोगों का गला दबा दूंगी। तो इसी तरह हमने करना है पूरे अपने फेस का फाउंडेशन ब्लेंड। A few moments later. तो फाइनली जो है मेरा फाउंडेशन हो गया ब्लेंड, और आप फाउंडेशन का रिजल्ट देख लो। मैंने भी ये सेकंड टाइम ट्राई किया, तो मैंने सोचा था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो मैंने बोला नेक्स्ट टाइम मैं अपने व्लॉग में भी इसका रिव्यू दूंगी, कि ये बहुत ही अच्छा है फॉर ड्राई स्किन के लिए। यार मैंने शायस्ता को एक न्यूज दे दी, और बेचारी शायस्ता के साथ शीट हो गया। क्या हो गया, ऐसे में इतना अच्छा मेकअप करने का ट्राई कर रही थी, अब क्या फायदा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ अभी शीट तो भाई अभी मेरा मेकअप लुक बाकी है। मैंने अपनी आईब्रो बना ली है, जो कि जकूटा जन से कम नहीं लग रही है, क्योंकि यार मेरी आईब्रो जो है बहुत ज्यादा बुशी है, आपको पता है। इसको कमेंट करो ये आईब्रोज अच्छी नहीं बनाती, इसको आईब्रोज बनाना। तो सीन यह है कि मैं आईब्रोज भी अपनी ईद पर ही बनाऊंगी। करते हैं अपना बाकी का मेकअप। यार बहुत अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ हुआ है हम दोनों के बीच में, क्योंकि अभी हमारा बहुत हार्ड कंपटीशन चल रहा है। गाइस मेरा फायदा नहीं हुआ रेडी होने का, मतलब जिस दिन मुझे, मतलब जिस मकसद के लिए मैं बेचारी के साथ एक ट्रेजेडी हो गई है ना, बहुत जिस मतलब गंदी वाली शीट हो गया इसके साथ शीट। खैर भाई अभी हम दोनों अपने गाइस को कुछ कराया आ रहा है, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा, सॉरी मुझे आना चाहिए तुम्हारी भी सिचुएशन। सॉफ्ट मेकअप जो है, चुप करो अभी तुम, मुझे अपना व्लॉग पूरा करने दो। इसका सॉफ्ट मेकअप अभी डन है, हो गया या अभी रह गया है, अभी रहता है अभी भी। चलो भाई मतलब इतना मेकअप करने के बाद भी बंदे का मेकअप अभी रहता है। और मेरा लाइनर हो गया डन, अब जल्दी जल्दी से मुझे लगाना है मस्कारा। लाइनर मेरा हो गया डन, अब मुझे लगाना है सीधा सीधा ब्लश, जो कि मैंने आपको हर व्लॉग में बताया कि मैं लगाती हूँ गॉश का ब्लश। फाइनली मेकअप मेरा हो गया है डन, लाइनर मैंने आज लगाया नॉर्मल सा, और मैंने लगाई शॉकिंग पिंक लिपस्टिक। यहाँ पे लाइटिंग इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे भी मुंह पे लाइट आ रही है, तो मैंने सोचा मैं किधर जाके बनाऊँ। खैर उसके बाद जो है मेरे रहते हैं बाल, अब बाल मुझ पे स्ट्रेट भी अच्छे लगते हैं, कर्ल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन सीन ये है कि मुझे पोनी करनी है हर शूट के दौरान, तो बेचारियों के बालों में एक वॉल्यूम आए, तो हम कर लेते हैं अपने बालों को हल्का हल्का सा कर्ल, ताकि मेरी पोनी में वॉल्यूम आ जाए। A few moments later. यार सीन कुछ ऐसा है कि मैं तैयार में हो गई हूँ, और मैंने अपने बाल भी जो है कर लिए हैं, और शूट वाले भी आ गए हैं, लेकिन उससे पहले जो है मुझे अपनी क्योस की सफाई करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, और इसमें ये प्रॉपर आएगा। तो यार इतना तैयार वायर होकर मुझे ये सब भी करना पड़ा है, और इसके बाद ही फिर मेरा शूट है। मेरा सारा काम हो गया है तकरीबन, डस्टिंग मैंने कर लिया, तैयार मैं हो गई हूँ, बाल मैंने कट कर लिया, और यहाँ पे लगी जा रही है नेल पेंट। मैंने अपनी नेल पेंट लगा ली है, वैक्स मैंने कर लिया था, और मैंने मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया है, ताकि मेरे हाथ क्लीन लगें। और अब यहाँ पे इनकी नेल पेंट लगी जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो है हमारे हाथों के शॉट्स लिए जाएंगे। तो शायद अगले आज सरप्राइज़ था, क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं था कि आज इसका भी शूट है मेरे साथ, स्पेशली इसके हाथों का, और इसका बुल्लड़ इसका थोबड़ा भी ले लेंगे हम लोग। इंतहाई गंदगी के साथ नेल पेंट लगाया जा रहा है,
क्योंकि इन मैडम के पास थिनर नहीं है, इतनी बड़ी शॉप में काम करती है, इनके पास थिनर नहीं है। मतलब थिनर पे मैं लेके जाऊँ? थिनर का हमारे पास काम नहीं है, हम लोग सिर्फ नेल पेंट सील करते हैं, थिनर लाइस नहीं होता यहाँ पे। नहीं नहीं, ये हैंड वॉश करके ना बिल्कुल सेट हो जाएगा, हैंड वॉश से सही हो जाएगा ये। भाई इंग्लॉट पे काम किया हुआ है मैंने, मुझे पता है क्या मतलब। गाइस ये बता रही है कि इन्होंने इंग्लॉट से काम करके ये डायरेक्ट मेकर सिटी पे आके टपकी है। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। क्यों मजा आएगा भाई, यहाँ पे मजे करने नहीं आते लोग, यहाँ पे काम करने आते हैं। मेरा लाइफ इतना बर्बाद हो गया, इतना बर्बाद हो गया। मेरे दूर दूर से शॉर्ट्स क्लिप लेने सही है, क्योंकि मैं आऊंगी शूट करने में बिजी। तो तुम्हें जो मैंने हायर किया है ना इन लोगों के बकौल के, मैंने आपको हायर किया है, तो आप मेरी प्यारी प्यारी सी क्लिप्स लेंगी ताकि मैं पीछे से वॉइस ओवर करूं। डन। और जब तुम्हारा शूट होगा तो वो तो मैं साथ साथ अपना वॉइस ओवर करूंगी। तो जो है फर्स्ट शॉट मेरा यहाँ से लिया गया था कि मैंने दिखानी है अपनी शॉप, और पीछे से वो ये लड़की वॉइस ओवर कर रही थी ब्ला 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 ब्ला, मैंने जस्ट अपने फेशियल एक्सप्रेशन देने थे और वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। देन वो हमारी शॉप के अंदर का शूट, और बैकग्राउंड से मेरे आइसक्रीम वाले के पास आती तो उसको टोटली इग्नोर करना, ये मुझे कह रहे थे कि आपने जस्ट थोड़ी सी वॉक करनी है और इसको पिक करना है। तो यहाँ मैंने फुल टाइम एक शशके वाली वॉक मारी और एक स्टाइल मारा, देन इसको पिक किया और मेरा शॉट हो गया यहाँ पे कंप्लीट दो तीन रिटेक लेने के बाद। फिर मैंने जो है अपना रिटेक चेक किया कि किस तरह, और नो डाउट इसके इस बंदे के पास आईफोन 11 15 प्रो मैक्स था, और नो डाउट ये इतनी अच्छी वीडियो मेरी बनाता है, वो तो मैं अपलोड करती रहती हूँ साथ साथ। देन यहाँ पर मुझे चेयर पे बिठाया गया और मुझे फिर रिमल के क्योस्क के लिए शॉट के लिए रेडी किया गया, जिसलिए मुझे जस्ट उनका हाइलाइटर दिखाना था लेग्स पर लेग्स डाल के। आड़े टेढ़े शॉट्स को गाइस बिल्कुल इग्नोर करना, क्योंकि ये मोहतरमा फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो बना रही थी तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था ये किस एंगल से किस जगह से क्या करना है, क्योंकि पुरानी जो लड़कियां हैं उनको मैं पहले ही बता चुकी थी कि यार इस शॉट के दौरान आपने इस तरह मोबाइल का इस एंगल से आपने मेरी वीडियो शॉट करनी है, तो इसको मैं इस दौरान बता भी नहीं रही थी क्योंकि कस्टमर भी थे, फिर शॉट भी करवाना था, फिर मुझे बिलिंग भी करनी थी। यार मतलब शूट के दौरान मुझे सब कुछ काम संभालना पड़ता है लड़कियों को, फिर इतनी बड़ी शॉप, क्योंकि फिर मेकअप सिटी का पूरा स्टाफ तकरीबन आया नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान चल रहे हैं तो हम लोग की शिफ्ट चल रही है, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती है बाकी की इवनिंग शिफ्ट होती है, तो ये शूट जो था वो मॉर्निंग का था। थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हुआ लेकिन फिर भी इन द एंड हो गया मेरा अच्छा सा शूट। फिर मैंने उस बंदे को कहा कि मुझे मेरा शॉट दिखाओ, तो ये थोड़ा ब्लर हो गया था और ये बहुत बैड सीन हो गया था, लेकिन क्वालिटी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से। देन ये मेरा बैग वाला शूट था कि मुझे बैग को ओपन करना था, कैमरा उसके अंदर था और मुझे प्रोडक्ट जो है वहाँ से पिक करनी थी। जब वीडियो आएगी तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं उसको अपलोड करके आपको दिखाऊंगी कि मेरा शूट कैसा रहा। तो इस शॉट को करने में भी बहुत सारे रीटेक लेने पड़े, क्योंकि बैग कभी खुल रहा था कभी बंद हो रहा था, मेरी शक्ल नज़र आ रही थी, चीज़ें गिर रही थी कैमरे के ऊपर, तो यार वाकई ये सब बहुत मुश्किल होता है, काम के साथ साथ शूट करवाना और बार बार रीटेक करना, इट्स सो डिफिकल्ट। टीम तो जैसे है कि इतना मैं शदीद थक गई हूँ, इतने रीटेक्स आपको पता है, और मुझे शदीद चढ़ोगे रीटेक लेने में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक आपका शॉट एक उसमें नहीं आता, वन टाइम में आता ही नहीं, तो आपको बार बार रिटेक लेना पड़ता है। ये बेचारी तैयार होकर खड़ी हुई है, अपने नेल पेंट तो दिखाते हो तुम, अपनी नेल पेंट बेचारी का अच्छा आ रहा, इतनी मुश्किलों से इसने सही किया है, बार 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 बार। ये जाहिल लोगों की ना निशानी होती है, इतने जहालत भरी सारे जाहिल लोग मेरी नसीब में। खैर एनीवे, आपको पता है मेरा रोज़ा भी है, मैं आपको बता दूँ कि आज इतना काम करना पड़ रहा है, मेरा भी है। भाई फाइनली अल्लाह करके शूट ख़त्म हो गया, हमने शूट स्टार्ट किया था तकरीबन 12:30 ना 12:30 1:15 और टाइम हो रहा है यार अभी कुछ 6:08, मतलब अफ्तार का टाइम हो गया हमारा और ये टाइम हो गया। मैंने ज़्यादा क्लिप्स ली नहीं क्योंकि जाहिर सी बात है कस्टमर थे, उनको भी डील करना था, सब कुछ रुइन कर देती है, ख़राब कर देती है। आज भाई मेरी दोस्त का जो है फर्स्ट शूट था, तो इनको वैसे ये फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छे देती हैं, बस ये कैमरा शाई पोजीशन है तो इनको इतना नहीं आता, अभी भी इनकी शक्ल नीचे ही है।
खैर भाई हम लोग हो गए फ्री, अब जो है टाइम हो रहा है ये और 1.5 घंटे का हमारा ब्रेक होता है तकरीबन। हमने मंगवाया अभी अपने लिए अफ्तार, अफ्तार में वही फ्रूट चाट और बिरयानी, तो समझो ज़िंदगी में लिख गई है। मतलब जब से रमज़ान शुरू हुआ या रमज़ान से पहले भी मैं यहाँ पर रोज़ बिरयानी 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 खा रही हूँ। यार इफ्तार दिखाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, रोज़ा लग रहा था बहुत शदीद, तो हमने जो है फटाफट से इफ्तार करके और फिर मैं बैठ गई हूँ। मुझसे खड़े भी नहीं हो जा रहा क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा मैं लोड हो गई हूँ। मैंने फ्रूट चाट खाया, मैंने समोसा खाया, मैंने पकौड़ा खाया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और मैंने बिरयानी भी खाई, तो मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। जूस भी पिया मैंने, तो बस ये दस्तरखान का सीन चेक कर सकते हैं आप। खा पी के मैं बैठ गई हूँ, उठने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ तो भाई हम लोग ने अफ्तारी वगैरह सब हम लोग फारिग हो गए हैं। इतना मतलब मेरी मेहनत के बाद, मतलब सुबह से मैं लगी हुई थी, हम लोग 12:30 से लगे हुए थे और 6:20 पे हम लोग फ्री हुए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेकअप सिटी से मैं तकरीबन चूट करती रहती हूँ, तो आज फर्स्ट टाइम मेकअप सिटी वालों ने मुझे दिया है मेकअप सिटी का वाउचर जो कि है 5000 का। यार मुझे वैसे भी शॉपिंग करनी थी अपने लिए, मतलब मेकअप परचेज करना था ईद के लिए, लेकिन मुझे 5000 का फ्री डिस्काउंट वाउचर नहीं, बस वाउचर है 5000 में कुछ भी खरीद सकती हो। ओह माय गॉड, मेकअप सिटी से दो लाइनर यार, कस्टम से मुझे आपको उसमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, मस्कारे भी आ गए हैं सारे, जगह मैं आपको मस्कारे मिल जाएंगे मुझे ना मुझे नहीं, मुझे लेना था एसेंस का ये वाला मस्कारा, वो मस्कारा बोलू लाइनर अच्छा है, इसका ये लाइनर अच्छा है, नहीं ये वाला लाइनर नहीं। हाँ लेकिन मैं इसका ये वाला नहीं, मस्कारा नहीं इसका, मैं ये वाला लाइनर यूज करती हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे फाइनली 5000 का वाउचर मिल गया है, नहीं तो एंड आई एम सो हैप्पी 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 कि 5000 का वाउचर मिला है। यार मैंने वाउचर निकाल के नहीं दिखाया इन लोगों को, टन टन यार मैंने दिखाया था मेरे ख्याल में। खैर ये मेरा वाउचर है 5000 का और मैं मेकअप सिटी में कुछ भी ले सकती हूँ 5000 का। दो तीन चीज़ें आनी है, मैंने वैसी परचेज करनी थी तो मुझे फ्री की मिल जाएंगी। फ्री की भी क्या यार, मैंने इतने शूट करके दिए हैं इन लोगों को। तो यार फाइनली 9 बज गए और मेरा हो गया ऑफ टाइम। तो ये थी मेरी आज की रूटीन और ये था मेरा आज का पूरा दिन विद रोज़ा जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हुआ, नहीं भी आएगा तो यार फिर भी आपने जाते जाते अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने करना है व्लॉग विद तबिया को लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।